नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने आई हूँ एक नई रेसिपी लेके, जो कि झटपट बनने वाली है और चटपटी तीखी एक हरी मिर्ची की सब्जी है। उसको आप सब्जी भी कह सकते हैं या चटनी भी कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमारे खाने में कि हमारे ही हाथ का खाना बेस्वाद बनता है, तब हमको लगता है कि कुछ तो भी और बनना चाहिए। तब आप इस हरी मिर्ची की सब्जी कम चटनी बना सकते हैं। इसको आप रोटी के साथ और पराठे के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी है और तीखी है, और इसमें जो मैंने सामग्री इस्तेमाल की है वो हर घर में उपलब्ध रहती है। आपको कहीं भी बाजार जाने की तुरंत ज़रूरत नहीं पड़ती। हरी मिर्ची भी सबके घर में हमेशा रहती है। तो चलिए हम बनाते हैं हमारी नई रेसिपी, हरी मिर्ची की सब्जी या चटनी। अब देखिए इसमें क्या सामग्री इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही कम सामग्री है और बहुत जल्दी बनने वाली। ये देखिए, मैंने हरी मिर्ची बारीक काट के धो के और बारीक बारीक काटी है। ये हरी मिर्ची है हमारी। तेल इसमें यूज होता है छौंक के लिए। बेसन, नमक, थोड़ा सा टेस्ट के लिए शक्कर, सौंफ, बड़ी सौंफ भी ले सकते हैं आप और छोटी सौंफ, आपके घर में जो सौंफ उपलब्ध है वो आप यूज कर सकते हैं। यह अमचूर पाउडर है, हल्दी रंग के लिए छौंकने के लिए सरसों, राई के दाने, और हमने ये मेथी पाउडर बनाया है। देखिए मेथी दाना जो होता है, ये मेथी दाना है हमारा, और इसको मैंने पीस लिया है। ये देखिए मैंने पीस के मेथी पाउडर बनाया है इसको। आप इसको बाजार में भी मिलता है मेथी पाउडर, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं मिर्ची की सब्जी बनाने की। चलिए हम अब सब्जी बना रहे हैं। हमने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। अब इसमें तेल डालेंगे। आवश्यकता अनुसार हम तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद, तेल थोड़ा गरम हो रहा है, तेल थोड़ा ज्यादा डाला है मैंने, क्योंकि बाद में बेसन भी डलता है उसमें, मेथी पाउडर तो सब सोख लेता है तेल। ये देखिए सरसों के दाने डाल दिए। अब गैस को थोड़ा धीमा कर दिया है, क्योंकि तेल काफी गर्म हो चुका है। अब इसमें मिर्ची डाल दी। मिर्ची डालने के बाद इसको थोड़ी देर ढकना है, क्योंकि मिर्ची का ठसका लगता है बहुत बार, इसलिए थोड़ी देर ढक के पकने देना है मिर्ची को। चलिए देखिए मिर्ची का गंध आ रहा है। अब इसको ऐसा करके थोड़ा सा सौंफ, गैस को धीमा ही रखा है मैंने, सौंफ डाली है थोड़ी। उसके बाद हल्दी, इसको पकने में बहुत कम समय लगता है। इसके बाद ये देखिए ये मिर्ची पक रही है। सौंफ हमने जल्दी इसलिए डाली क्योंकि वो भुनी हुई नहीं है, तो वो तेल में पक जाएगी।
फिर इसको थोड़ी देर ढकेंगे। देखिए ये मिर्ची पक गई है, दब रही है मिर्ची, बहुत जल्दी पक जाती है मिर्ची। अब इसमें नमक, मिर्ची है इसलिए मिर्ची में थोड़ा नमक ज्यादा डलता है, तीखापन उसका कम हो जाता है। अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर भी थोड़ा ज्यादा रहता है। मेथी पाउडर, मेथी का कड़वा स्वाद आना चाहिए इसलिए मेथी पाउडर थोड़ा ज्यादा डलता है। शक्कर, किसी किसी को कड़वा स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है तो ज्यादा भी मेथी पाउडर डाल सकते हैं, कड़वा स्वाद पसंद नहीं है ज्यादा तो कम मेथी पाउडर डाल सकते हैं। मैं थोड़ा ज्यादा डालती हूँ मेथी पाउडर। ये देखिए ये हो गया है, अब इसके ऊपर हम बेसन डालेंगे। हम लोगों ने, मैंने लगभग 3 से 4 चम्मच बेसन डाला है इसमें। बेसन ज्यादा डालेंगे तो तीखापन कम होगा, थोड़ा कम डालेंगे तीखा लगेगा। ये देखिए पूरा ही डाल दिया मैंने, लगभग पूरे 4 चम्मच बेसन मैंने डाला है इसमें। अब इसको एक भाप देंगे और हमारी मिर्ची की सब्जी रेडी हो गई। ये देखिए थोड़ा सा मैंने ढक दिया इसको, एक भाप आ जाए तो बेसन पक जाएगा। मतलब ये देखिए ये तैयार हो गई मिर्ची की सब्जी। बेसन का कच्चापन हमको बस दूर करना है, उतना इसको पकाना है। और ये सब्जी 6-7 दिन तक बिना फ्रीज के आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है इसलिए ये खराब भी नहीं होती है। बाहर ही रख सकते हैं, फ्रीज में रखने की जरूरत नहीं है।